गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम में भी मेरे जो फूलदार पौधे हैं उनमें किस प्रकार के फूल खिले हुए हैं ये आपको अच्छे से इसमें नज़र आ रहा होगा। और ये एक ये मेरा गुड़ैल का एक ही प्लांट्स है और इसमें 3-4 प्रकार के प्लांट फूल खिले हुए हैं, जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा किस प्रकार के और कितनी अच्छी इसमें बर्ड्स आ रही है जिनमें फूल भी खिल रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए आप पिंक हल्का पिंक प्रकार पिंक रंग का फूल है और कितनी अच्छी इसमें आपको लुकिंग दिख रही होगी और ये आपको अच्छी नज़र आ होगा। एक ऊपर आपको दिख रहा होगा गहरा पिंक है जो गहरे कलर में है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसमें बर्ड्स आ रही है, एक एक में तीन एक एक जगह पे तीन बर्ड्स आ रही है और इनमें फूल भी खिलना शुरू हो गया है। और जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा दोस्तों कि इसमें देखिए आप डबल पैटर्न में किस प्रकार से अच्छी गर्मी की टाइम है, मई का महीना चल रहा है और किस प्रकार से इसमें एक ही प्लांट्स में कितने अच्छे प्रकार के फूल्स खिल रहे हैं, कितनी प्रकार की बर्ड्स है तीन चार और किस प्रकार से आपको इतनी अच्छी लुकिंग में फूल खिल रहे हैं, कितने सारे फूल आ रहे हैं और इतने ही फूल इसमें रोज़ खिलते हैं दोस्तों। तो ये गर्मियों में भी एक अच्छी केयर टाइम पे खाद अच्छा खाद पानी और गुड़ाई का परिणाम है। और ये आपको ये भी दिख रहा होगा दोस्तों कि इसमें किस प्रकार की मेरे जो प्लांट्स मैंने तैयार कर रखे हैं इनमें किस प्रकार की प्रोग्रेस है और कितने किस प्रकार की इसमें हरियाली है, ये आपको गर्मियों में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये मेरे पोर्टलिका का प्लांट्स लगे हुए हैं, पोर्टलिका के इनमें देखो आपको येलो ये आपको पिंक दिख रहा होगा येलो, ये अभी खिलने ही वाले हैं, अभी प्रॉपर इनको धूप नहीं मिली इसलिए अब थोड़ी देर बाद ये अच्छे से खिलने लग जाएंगे और आपको ये बहुत अच्छी लुकिंग दिखेगी। और ये महुआ वगैरह महुआ का प्लांट्स लगा हुआ है गमले में और ये गमले में ऊपर आपको ये मोगरा का प्लांट्स है, इसमें छोटा सा पेड़ है आपको ये नज़र आ रहा होगा और इसमें कितनी अच्छी हरियाली है और आप छोटे छोटे बर्ड्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे उसमें फूल खिलने वाले हैं और ये फूल भी खिल रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अच्छी ग्रीनिश और कितनी अच्छी हरियाली पे ये पौधा है दोस्तों। और मई का मंथ है फिर भी आप देख पा रहे हैं। और भी मेरे प्लांट्स है जैसे ये गंधराज का, इसमें भी हरियाली आपको देखने को मिलेगी सिर्फ गर्मी के महीने में, ये अच्छी देख रहे टाइम टू टाइम खाद और टाइम टू टाइम इसमें पानी कुड़ाई। और दोस्तों ये देखो मैंने खजूर के प्लांट्स भी तैयार कर रखे हैं, जो हमारी पिंड खजूर होती है उसके प्लांट्स भी। और ये मेरे गुलाब के प्लांट्स है। और ये दोस्तों ये आपको जो ये लता दिख रही है बेल दिख रही है ये दाग की है जो बड़ी वाली मनक्का होती है, ये भी मैंने इसमें लगा रखी है प्लास्टिक के पॉट में ही। तो दोस्तों कितनी इसमें हरियाली है ये आपको अच्छे से इसमें नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों मैंने ये भी इसमें और भी मैंने खजूर के प्लांट्स इसमें मैंने लगा रखे हैं, तैयार की थे बीज से, तो ये खजूर के प्लांट्स है तो इनमें भी आप हरियाली देख सकते हैं, ये अच्छी देख रेख टाइम टू टाइम पानी देना खाद इनका परिणाम है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार के प्लांट्स गर्मियों में तैयार कर सकते हैं। और एक बार फिर आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों किस प्रकार का नज़ारा है दोस्तों गर्मियों में, अभी किस प्रकार के हम मेरे जो गुड़ैल में फूल खिल रहे हैं, एक ही पेड़ में कई प्रकार के फूल आपको देख नज़र आ रहे होंगे, ये हल्का आपको पिंक, ये आपको ये बिल्कुल रेड कलर में दिख रहा होगा और ऊपर आपको ये दिख रहा होगा डबल पैटर्न में गहरा पिंक। तो दोस्तों इस प्रकार से किस इतने सारे फूल मेरे इस हिबिस्कस के प्लांट्स में गुड़ैल के प्लांट्स में रोज़ खिलते हैं और इसकी आप हरियाली देख पा रहे होंगे मई के मंथ में भी। और मात्र ये जो मेरी गैलरी है बालकनी है क्वार्ट रेलवे बिल्डिंग सी इसमें लगा हुआ है, कितनी सी गहराई में मिट्टी डाल रखी है इसमें दोस्तों। और आप इनको भी देख सकते हैं इसी तबल के प्लांट्स है और किस प्रकार से इनमें हरियाली है मई के महीने में आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये अच्छी केयर देख रहे इनका परिणाम दोस्तों। तो आप भी इस प्रकार से अच्छी देख रेख करके गर्मियों में भी पौधों को अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का अपना एक नई गार्डन तैयार कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ।